हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एक बार फिर से एक नई ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो गाइस, अभी हम लोग गंदरौल बंधा पे से घूम के आ चुके हैं और आज उसके जस्ट बगल में पहाड़ पे एक देवी हैं जो कि यहां पर बताया जाता है कि ऑटोमेटिक निकली हुई हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कहां निकली हुई हैं और थोड़ा पहाड़ पर चढ़ना है हमको। पहाड़ पर धीरे धीरे चढ़ते हुए चलेंगे। दो चार लोग थे मेरे साथ में, काम करने वाले ही हम लोग थे और चले गए हैं। चलिए हम चलते हैं लेके कहाँ पर देवी हैं और कौन सी देवी हैं, आगे चल के आपको दिखाते हैं। तो गाइस देख सकते हैं गेट है, गेट से हम चल रहे हैं अब। तो गाइस गेट से हम अंदर आ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं। देखिए इधर की जो मिट्टी है बहुत चिकनी बलुई मिट्टी है, तो बहुत चिकनी भी है। देख सकते हैं वो पहाड़ जो आपको दिखाई दे रहा है सामने, उधर ही हमको जाना है। और इधर आसपास में बहुत सारा जंगल है, क्योंकि अभी आपको पता ही होगा कि इधर पूरा जंगल ही है जंगल है और पहाड़ भी है। तो गाइस बने रहिए मेरे वीडियो पे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो गाइस देख सकते हैं इधर पूरा चट्टान ही चट्टान, पहाड़ी पहाड़, पहाड़ी रास्ता है। तो पूरा देख सकते हैं नीचे पूरा पत्थर है, इस पे से हम लोग जा रहे हैं। बहुत संभल के चलना पड़ रहा है क्योंकि अगर पैर फिसलाना तो फिर मुंह तो फूट ही जाएगा। तो देखिए वहां पर जा रहे हैं लोग, हम लोग पहुंचने ही वाले हैं, ज्यादा ऊपर चढ़ाई नहीं है। देखिए यहाँ पर एक हमारे साथ में गार्ड है जो बंदूक बंदूक लेके चल रहे हैं। बंदूक है, यार कहाँ जाता हुआ पहाड़ी पर। चलो देवी के चलो, थक ले जाना। ये देखिए उबड़ खाबड़ रास्ते के चरिए हम लोग आ चुके हैं, थक गए। ओ हरिओम। तो देख सकते हैं गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं ऊपर पहाड़ पे। तो अभी हम स्थान पे आ चुके हैं जहाँ पर देवी माँ हैं। कौन सी देवी हैं? इधर का जो ऊपर है प्लेन है। पहले हम वहाँ जाने से पहले दिखा दें आपको हम लोग कितने ऊपर आए हैं। तो आज देख सकते हैं आसपास में पहाड़, काफ़ी खूबसूरत एरिया क्योंकि ये विजयगढ़ किला से सटा हुआ है। ओ तरी देख सकते हैं वहाँ पर, देखिए वो रोड, वहाँ से हम लोग यहाँ आए हैं। आप देख सकते हैं यही वो गेट है जहाँ हम जिस गेट से हले हैं। और अब देखिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ऊंचाई है, ज़्यादा ऊंचाई तो है नहीं। तो आप देख सकते हैं वही विजयगढ़ किला है जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, वो विजयगढ़ किला है। और पूरा इधर जो पहाड़ ही पहाड़ दिखाई दे रहा है आपको। तो आज इधर देखिए पूरा चट्टाने लगी हुई हैं। तो और लोग चले गए हैं इधर, देखिए जो बंधा है ना धंधरौल बांध वही है जो कि पानी वानी इसमें है नहीं, सूख गया है पूरा, थोड़ा बहुत पानी बचा हुआ। चलिए हम चलते हैं अब। तो गाइस अभी हम चल रहे हैं, देखते हैं पूरा इधर मड़ी लगी हुई है, देख सकते हैं पूरा आपको दिखा रहे हैं अभी। यह है कि ऊपर का जो नज़ारा है बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर बताया जाता है कि मंगलवार के दिन बहुत काफ़ी भीड़ लगती है, बहुत काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगती है। अभी आपको दिखा रहे सकते हैं इधर खाना बनाने के लिए चूल्हा उल्हा बना हुआ है, इधर मड़ई लगी हुई है पूरा, और इधर भी रहने के लिए बनाया गया है। ओ अब यहाँ पर क्या है, पहली बार आए हैं तो चल के थोड़ा सा देख लेते हैं और आप लोगों को भी दिखा दें ताकि यहाँ पर आप आइए। और ऊपर हम आ गए हैं और ऊपर देखिए यहाँ पर कुछ लोग भी हैं और देखिए बंधा दिखाई दे रहा है। तो पूरा इधर का जो है देखिए रहने के लिए मड़ी बनाई गई है। यहाँ पर जो लोग रहते हैं, यहाँ के जो देख रेख करते हैं, उनकी एक कुटिया है। हो सकता है आने वाले समय में यहाँ की व्यवस्था जो है बना दी जाए। तो अब आ ही चुके हैं हम, देखिए पूरा ग्राउंड है यहाँ का, काफ़ी बहुत तेज़ी से यहाँ पर मंगलवार के दिन भीड़ लगती है। तो देख सकते हैं यहाँ पर आ गए हम, सामने मंदिर है।
कौन देवी जी आदि शक्ति माँ दुर्गा माँ शेरावाली शक्ति पीठ ग्राम मऊकला। चलिए चलते हैं। तो गाइस देखिए सीट लगी हुई है पूरा और दर्शन आपको करवा दें। गाइस देख सकते हैं कि यही है वो माँ जहाँ पर मंगलवार के दिन शायद बहुत काफ़ी मात्रा में भीड़ लगती है। साक्षात लाइव आपको दर्शन दिखा दे रहे हैं आपको। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर माता दुर्गा विराजमान है और देखिए इधर हवन कुंड भी बना हुआ है। ये दो सिपाही हमारे साथ में है, ले के चले हैं। हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। सिपाही दर्शन कैला? हाँ गला बैठ गया। सिपाही का गला बैठ गया है, जयकारा लगाते थे। देख सकते हैं यहाँ पर जो मड़ाई यहाँ पर लगाई गई थी ये गिर गई है क्योंकि आंधी हर बहुत ज़बरदस्त एक बार आई थी। इस गैस इधर बहुत नुकसान करके गई है और इधर का पूरा एरिया जो है नज़ारा देखिए बंधा के साइड बंधा के पास में है, एक अच्छी बात है। देखिए यहाँ पर पूरा यहाँ का हम नज़ारा आपको एक एक करके दिखा रहा हूँ। गैस यहाँ पर पिकनिक मनाने भी लोग आते हैं और दर्शन करने भी आते हैं क्योंकि यहाँ पर इस देवी का स्थापना हुआ है, नया में भी हुआ है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है। कहते हैं लोग कि यहाँ पर अपने से ही देवी माँ का स्थान हो गया था। ये भी मड़ई देखिए गिर गई है आंधी में, उसी तूफान में गिरी है जो तूफान आई थी। तो हम लोगों ने यहाँ का दर्शन वर्शन कर लिया, सब कुछ कर लिया। हो सकता है कि आने वाले समय में यहाँ की जो पूरी व्यवस्था है मेंटेन कर दी जाए। तो गाइस यहाँ पर अगर आप बंधा घूमने आए तो यहाँ पर जरूर आए। बस जस्ट ही बंधे के बगल में है जो एक तखवा है उसके जस्ट ही बगल में है। तो गाइस चलिए ये यहाँ का दर्शन मैंने आपको करवा दिया। तो गाइस मेरी वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में।